हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ रिशिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एन आइस की PT 365, जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है। मार्च से लेकर मई तक की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी टॉपिक हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग साइंस एंड टेक देख रहे हैं और साइंस एंड टेक में जितनी भी टॉपिक बची हुई है आज मैं इसे कंप्लीट करा देती हूँ। तो अब तक हम लोग पैंडेमिक डिजीज़ तक देख चुके हैं। आज हमें वन हेल्थ से स्टार्ट करना है, उसके बाद जितनी भी टॉपिक है देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा टॉपिक नहीं बची हुई है। तो आई थिंक कि मैं इसे कंप्लीट करा ही देती हूँ, जिससे कि कल हम लोग फिर आर्ट एंड कल्चर देख लेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में भी अच्छे खासे यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक दिन आपका सोशल इशूज़ का लेसन आ जाएगा और फिर हम लोग जो नेक्स्ट मंथ की आपको देखने को मिलेगा, जो जून जुलाई अगस्त का है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के साथ उसे स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग के सजेशन है। तो जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी आप लोग को उसी तरीके से पढ़ते रहना है, लग्न के साथ आप लोग को रिविज़न करते रहना। देखिए, ये कुछ आप नया पढ़ नहीं रहे हो, ये रिविज़न कर रहे हो आप लोग। तो इस मैगजीन को मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप लोग इसको स्किप मार दो। अभी अगस्त मंथ की मंथली मैगजीन मैं आप लोगों के सामने नहीं प्रेजेंट कर रही हूं, क्योंकि वो एक आपका इनडेप्थ हो जाता है। लेकिन ये इस तरीके की जो रिवीजन वाली मैगजीन है उसको जरूर फॉलो कीजिए, और एक दिन पहले तक भी आप लोग जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन। स्टार्ट करते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के साथ। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तो काफ़ी फोकस किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो भी COVID-19 को देखते हुए। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आप पहली बार नहीं देख रहे हो। ये पहले भी आपका 2003 और 4 में ये आपका इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे, जो SARS यहाँ आउटब्रेक हुआ था, यानी कि जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जब आउटब्रेक हुआ था 2003 के अर्ली में, तो उस समय भी वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। ठीक है, अब आगे और देखेंगे कि वन हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके के सीरीज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक गोल को क्या कहा जाता है? तो मैनहट्टन प्रिंसिपल कहा जाता है। ये एक कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल ट्रांसडिसिप्लिनरी यहाँ पे अप्रोच है, यानी कि एकदम से सारे जितने स्टेक होल्डर्स इसमें इंक्लूड होंगे। मल्टी सेक्टोरल है, यानी कि हर एक सेक्टर के लोग होंगे। ट्रांसडिसिप्लिनरी है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ जो आपका ये अप्रोच है वो लिया जाएगा और हर एक लेवल पे इसको काम किया जाएगा, जैसे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल ग्लोबल लेवल पे। जो है वन हेल्थ का कंसेप्ट और जो ये प्रिंसिपल है आपका मैनहट्टन प्रिंसिपल, इसका यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरकनेक्शन रिकॉग्नाइज करके, कैसे, तो लोग, एनिमल, पीपल्स, प्लांट और उनके शेयर्ड एनवायरनमेंट के बीच में किस तरीके का उनका इंटरकनेक्शन है उसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे हम लोग इसको, इस अप्रोच को लेकर चलेंगे। वन हेल्थ जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या इंक्लूड है। तो जूनॉटिक डिजीज़ इंक्लूड है, जैसे कि कोरोना वायरस, एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, इट मीन्स कि लंबे समय तक अगर आप लोग एक ही मेडिसिन को कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में वो मेडिसिन कुछ समय के बाद जो है वो फ़र्क नहीं करता है, उसके बाद आपको हाई डोज के मेडिसिन लेने होते हैं सेम डिजीज़ के लिए, तो उसको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं। फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि भोजन की कमी ना हो, बेसिक फूड्स तो सब लोगों को मिलना चाहिए। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है उस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, यानी कि जैसे आप लोग को धूल मिट्टी पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है उससे यहाँ पर निजात पाना है, और अदर हेल्थ जो कि यहाँ पर लोगों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और इन्वायरमेंट के द्वारा जो थ्रेट हो रहे हैं, जो मुसीबत में पड़ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैनहट्टन प्रिंसिपल की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये आपका डिराइव किया गया है जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की मीटिंग हुई थी 2004, तो उससे ये निकल कर आया और क्लियरली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है एक लिंक जो कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल हेल्थ के बीच में है। तो हमारे और एनिमल हेल्थ के बीच में जो एक हेल्थ का लिंक है वो यहाँ पे निकल कर आया। और जो भी डिजीज़ है, यानी कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसी डिजीज़ है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ डिजीज़ जो है अगर वो एनिमल से हो रहे हैं तो वो आपके ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो ही रहे, मेजोरिटी ऐसी डिजीज़ है। तो यहाँ पे सेट ऑफ 12 प्रिंसिपल इसके अंदर रखा गया, जो कि एक वाइटल स्टेप है कि कैसे हम लोग क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सके, जैसे कि वाइल्ड हेल्थ को लेकर क्या क्या चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, क्या क्या कंपोनेंट होनी चाहिए ग्लोबल डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, सर्वेलांस के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए। तो वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है इसमें तीन लोगों की एक साथ हेल्थ को कंबाइन करके बताया जा रहा है, जैसे ह्यूमन बींग की हेल्थ, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ, इन तीनों को कंबाइन करके जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है वो वन हेल्थ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। फाइन, अब आते हैं BCG वैक्सीन के बारे में। तो ये एक तरीके का वैक्सीन है जिसका कि फुल फॉर्म आप देख सकते हो, BCG मीन्स बैसिलस कैल्मेट ग्लोरिन। तो बैसिलस कैल्मेट ग्लोरिन जो है ये वैक्सीन है जो कि नोवेल कोरोना वायरस डिजीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पे आपका लेकर आया गया है। तो WHO के द्वारा अगर देखें तो वो यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा ये रिकमेंड नहीं किया गया कि जो BCG वैक्सीनेशंस है वो COVID-19 को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए, WHO के द्वारा इसको नकार दिया गया है। तो इसी बेसिस पे हम लोग को पता होना चाहिए कि ये BCG वैक्सीन है क्या। BCG वैक्सीन जो है 1921 में डेवलप किया गया था और इसको ट्यूबरक्लोसिस जो TB है उसके अगेंस्ट में इसको यूज़ किया जा रहा था, वो भी फ्रांस में इसका डेवलपमेंट हुआ था।
इसमें क्या क्या है, इसमें जो हम लोग कल वैक्सीन की बहुत सारे लिस्ट देखे थे, जैसे कि लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, जिसमें कि आप देखोगे कि जो बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम बोविस है उसके स्ट्रेन को वीक कर देता है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, और फिर ये बैक्टीरिया जिससे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है ह्यूमन बींग में, तो उस बैक्टीरिया को ये वीक कर देता है। ये है आपका इस वैक्सीन का काम। तो ये वैक्सीन जो है ये प्रोवोक करता है बॉडी को कि एंटीबॉडीज़ को डेवलप करे। एंटीबॉडीज़ जैसे दो तरीके का है, IgG और IgM। तो IgG जो है वो आपका लंबे समय तक नहीं रहता, IgM जो है वो लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ पे दो एंटीबायोटिक्स है जो कि डेवलप किया, यहाँ पे प्रोवोक करता है इस वैक्सीन को लेने से, हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स है वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। और एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में अगर ये डेवलप होते तो इससे जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर अटैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इससे क्या है कि एक इम्यून रिस्पॉन्स एडेप्टिव देखने को मिलता है, जो कि दूसरे वैक्सीन के जैसा। तो ये वैक्सीन लेने से क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी जनरेट होता है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस यहाँ पे बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम होता है जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उस बैक्टीरिया को यहाँ पे अटैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग देखें ये जो BCG वैक्सीन है ना, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको भी बूस्ट करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है। जैसे ही TB का पता चलता है तो सबसे पहले BCG वैक्सीन दिया जाता है। तो इट मे बी आस्क दी कि BCG वैक्सीनेशंस जो है वो किस डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चंस आपका दिया जाता है। तो आप लोग रेडी रहिए कि टेढ़ा सोचने का, क्योंकि UPSC आपसे ये मांगता है ना कि आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सोच रहे हो तो फिर दिक्कत है, थोड़ा सा टेढ़ा तो सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे BCG वैक्सीन जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपका आ सकता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन है। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिए कि एक टॉपिक से क्वेश्चन कितने तरीके के फ्रेम होते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, यानी कि सबसे पहले BCG वैक्सीनेशन दिया जाता है, जो कि कोई भी और पैथोजेंस जो है ना वो हमारे बॉडी में इंटर ना हो। साथ ही ग्लोबली देखें तो ये जो प्रैक्टिस है ये चिल्ड्रन जो कि एक साल के अंदर के होते हैं बच्चे, उनको यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इंडिया में BCG वैक्सीन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन 1948 में हुआ था, और ये यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत इसको भी इंक्लूड किया गया था। BCG वैक्सीन की बात करें तो ये क्वाइट इफेक्टिव देखने को मिला है SARS इन्फेक्शन में भी, जो 2003 में आउटब्रेक हुआ था। तो रिसेंट स्टडी में ये देखने को मिला है कि ये जो इफेक्टिव है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है पीपल्स के साथ, और जिनको डायबिटीज़ का type 1 हुआ है, और बेटर शुगर लेवल जो है ये next 5 years के लिए मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये इफेक्टिव है जैसे कि ब्लैडर अगर कैंसर थेरेपी है तो उसमें भी इसको इफेक्टिव देखने को मिला है, जिसमें कि जो लो बर्थ वेट के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनकी वेट अप टू द मार्क नहीं होती है, तो उन बच्चों की जो सर्वाइवल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस तरीके का जो है BCG वैक्सीन भी यहाँ पे आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो BCG वैक्सीन का हो गया ना बहुत सारा काम, एक तो यहाँ पे TB के लिए होता है, दूसरा आपका जो है यहाँ पे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए होता है, साथ ही यहाँ पे ब्लैडर कैंसर थेरेपी के लिए होता है। तो इस तरीके की जगह पे आपको देखने को मिलेगा, इम्यून सिस्टम भी इससे बूस्टर होता है, तो बहुत सारे जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। SARS में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में 1978 में इसको लाया गया था, और कहा गया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो भी किसके द्वारा लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वैक्सीन फैमिली वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। फिर 1985 में क्या हुआ कि ये प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया और इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम, और इसको जो है फेज्ड मैनर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया गया। फेज मैनर में कहने का मतलब है कि 1 phase, 2nd phase, 3rd phase, देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि फेज मैनर में जो है ये आपका इंप्लीमेंट किया जाता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम हमारे वर्ल्ड का है, इंडिया का ही नहीं है। इसके अंदर अगर देखें तो फ्री वैक्सीन जो है ये बच्चों को दिया जाता है, चिल्ड्रन को दिया जाता है, प्रेग्नेंट वेमेन को दिया जाता है, और 12 लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज़ है, यानी कि जिससे कि पूरे ज़िंदगी भर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उस तरीके की डिजीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे फ्री वैक्सीन अवेलेबल होता है। क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेने जाते हो तो उसमें आपका खर्च बहुत होता है, लेकिन ऐसा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया गया जिसमें कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए और साथ ही साथ वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया। तो कौन कौन से ऐसे 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है उसके बारे में देख लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थेरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मैग्नेटिस, क्योंकि ये आपका जो होमोफाइलिस है उसके कारण होता है, मिजल्स, रुबेला, जापनीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, ये सब इसमें इंक्लूड है। इम्यूनाइजेशन और टाइप ऑफ इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें
तो इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ इज़ अचीव थ्रू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। हमारे बॉडी में जब एंटीबॉडी होता है तो उसी के थ्रू समझ में आता है कि हमारे इम्यून सिस्टम कैसी है, क्योंकि जितना ज़्यादा एंटीबॉडी फॉर्म होगा उतना ज़्यादा किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी सक्षम होगी। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ जो है हमारे बॉडी में एक प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन है, जो कि हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ अगर आता है तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो डिजीज़ स्पेसिफिक ही है, सिर्फ डिजीज़ को ही यहाँ पे टारगेट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे मिजल्स एंटीबॉडी है, तो ये क्या करेगा कि एक इंसान जो कि यहाँ पे मिजल्स डिजीज़ से अगर एक्सपोज हो गया है तो उसको यहाँ पे जो है ना उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए वो यहाँ पे हमारे बॉडी में जनरेट होता है, फिर उस डिजीज़ से फाइट करता है और कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मिजल्स जो डिजीज़ हुआ है उससे वो इंसान क्योर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड की इम्यूनाइजेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी लोग को जो है ना ये इम्यून किया जाता है और रेसिस्टेंट किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ से, यानी कि छुटकारा दिया जाता है। इम्यून मीन्स क्या हो गया कि आपको कोई भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है इससे छुटकारा देने के लिए जो है वैक्सीनेशंस दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन और टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन अगर हम लोग देखें तो इससे क्या होता है, एंटीजेंस इंट्रोड्यूस होता है या फिर कोई भी अगर पैथोजेंस है, पैथोजेंस कहने का मतलब कोई भी जर्म्स वगैरह अगर हमारे बॉडी में, तो उसको किल करने में, उसको कमज़ोर करने में जो है ये हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो दो तरीके का आपको इम्यूनिटी इन ह्यूमन देखने को मिलेगा। सबसे पहला नेचुरल इम्यूनिटी है, इसमें क्या है नेचुरल या फिर इननेट, इसमें क्या है कि समथिंग ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और इसको जो है ना या तो हम लोग नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में रेफर करते हैं जो कि ये इमीडिएटली आता है। जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजेंस आपको देखने को मिलेगा तो विद इन आवर्स ऑफ एन एंटीजेंस अपीयर्स इन द बॉडी, ये आपको इननेट इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। और ये मैकेनिज्म में क्या है तो फिजिकल बैरियर है, जैसे कि हमारे स्किन हो गई या फिर ब्लड में कोई केमिकल होता है या फिर इम्यून सिस्टम सेल है जो कि ये आपका एक बैरियर होता है जिसमें कि जो बाहर के जो कुछ आपके बॉडी में जो अटैक बाहर की जो कुछ आपको देखने को मिला है जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसको अटैक करने में ये रेसिस्ट करता है। तो ये तो पहला टाइप का था कि नेचुरल और इननेट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में जो है इस तरीके का कुछ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड होता है एक्वायर्ड, यानी कि हम लोग जो है एक्वायर्ड है, यानी कि इस तरीके का वैक्सीन लेकर जो है हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं या फिर हम लोग की बॉडी में जो एंटीबॉडी का डेवलपमेंट है, एंटीबॉडी का जो जनरेशन होता है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये कुछ एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव आपका इम्यूनिटी कह सकते हैं। इसमें भी दो तरीके का है, एक तो एक्टिव है एक पैसिव है। कहने का क्या मतलब है, ऐसा इम्यूनिटी जो कि यहाँ पे किसी डिजीज़ से अगर एक्सपोज होते तो उसको वैक्सीनेशन के थ्रू क्योर किया जाता है। और पैसिव अगर इम्यूनिटी में देखें तो इम्यूनिटी जिसमें कि एक लोग को यहाँ पे ज़रूरत है कि उनको एंटीबॉडीज़ दिया जाए उस डिज़ीज़ का जो कि उनके बॉडी में आपका इंटर कर चुका है, वो डिज़ीज़ से वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो उनको एक्सटर्नल जो है ना एंटीबॉडी दिया जाए, तो इस तरीके को क्या कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक जो नया बेबी बॉर्न होता है तो उनको पैसिव इम्यूनिटी होता है, यानी कि उनके मदर के थ्रू जो है ना उनको प्लेसेंटा दिया जाता है, जिससे कि अगर बच्चे जो एकदम नवजात शिशु होते उनको अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके के डिज़ीज़ होते तो उनकी बॉडी में तो वो अभी कैपेबल नहीं है कि उनके बॉडी में इस तरीके का एंटीबॉडी फॉर्म हो, तो क्या होता है कि उनको बाहर से उनके मदर के थ्रू जो है प्लेसेंटा उनको दिया जाता है, जिससे उनके बॉडी में जो है एंटीबॉडी आपका बनता है और फिर वो किसी भी तरीके के डिजीज़ को फाइट करने में कैपेबल हो पाते हैं। तो ये हो गया पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि वैक्सीनेशन ले लो और उसके बाद आपके बॉडी में जो है इस तरीके का एंटीबॉडी बनने के लिए आप बूस्टअप हो जाएगा और फिर एंटीबॉडी बनेगा और फिर उसके बाद जो है आपके बॉडी में जो भी डिजीज़ है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके का, इतना आप समझ गए इम्यूनाइजेशन का मतलब समझ गए। उसके बाद एंटीबॉडी क्या है ये ध्यान रखिएगा, मे बी ये पूछा जा सकता है। तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोटीन है जो कि कोई भी तरीके का डिजीज़ हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है या फिर न्यूट्रलाइज करता है उसको। ठीक है, दो तरीके का इम्यूनाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, एक नेचुरल है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली ये अकर होता है, दूसरा एक्वायर्ड है जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर एक्सटर्नल वैक्सीनेशन के थ्रू ये आपको दिया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डेवलप होने में और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी की बात करते हैं जो कि प्लेसेंटा मदर से बच्चों में जाता है तो ये आपका तुरंत हो जाता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। स्टेम सेल देखते हैं COVID-19 के अगेंस्ट में, तो रिसेंटली इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो कि यहाँ पे मिशन कैमल स्टेम सेल जो कि MSC है, ये ह्यूमन प्लेसेंटा से COVID-19 पेशेंट को दिया जा रहा था और इससे ये पता किया गया कि जो बॉडी की इम्यून रिस्पांस है ये इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं बूस्ट हो रही है। तो अब ये भी एक आपका टारगेटेड एरिया है तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। जो जो यहाँ पे प्रैक्टिस किया गया है COVID-19 के अगेंस्ट में तो उन सबको ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है। एक इतना बड़ा टॉपिक अपने आप में हो चुका है ये कोरोना वायरस, तो हर एक पहलू को ज़रूर आप लोग को पढ़ के जाना है।
MSC की बात करें जो कि यहाँ पे है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, तो ये है क्या, ये मल्टीपोटेंट एडल्ट स्टेम सेल्स है जो कि हमारे मल्टीपल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोई आपको बोन मैरो है, फैट टिश्यू है, या फिर आपका जो है अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे MSC। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोडेट्री इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे लंग इन्फ्लेमेशंस को जो है प्रिवेंट कर सकता है, यानी कि लंग को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए जो है ना इसमें MSC में इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है कि COVID-19 की अगर यहाँ पे कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो लंग को इन्फेक्ट करता है, अगर वो आपके ओसोफेगस से अंदर चला गया तो, ठीक है। और अगर लंग को इन्फेक्ट करता है तो लंग को यहाँ पे बचाने के लिए जो है यहाँ पे आपका इस लंग इन्फ्लेमेशन से इसको प्रिवेंट भी कर सकता है। फिर MSC का यहाँ पे एक और काम है कि ये काफ़ी मदद करता है कि जो सेल है उसको रीजनरेट करने में, यानी कि लंग्स में जो सेल है उसको रीजनरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मेनली ये स्टेम सेल्स आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा MSC जो प्रोसेस है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो होता है वो हमारे हेल्प लंग को रिपेयर करने में हेल्प होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्टेम सेल की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, तो स्टेम सेल एक तरीके का सेल होता है, कोशिकाएं होती है, जिससे कि सारे सेल हमारे बॉडी के जो है ना वो जनरेट होते हैं। मींस इसको आप एक मास्टर सेल भी कह सकते हो, जिसमें कि हमारे पूरे बॉडी में जो सेल आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से कोशिकाएं होती है, तो वो सारे बॉडी की सेल जो जनरेट होती है वो स्टेम सेल से ही होती है। तो स्टेम सेल जो है न्यू सेल ऑफ द फॉर द बॉडी के लिए प्रोवाइड करता है, साथ ही ये ग्रो भी होता है और जो कुछ स्पेशलाइज सेल है उसको रिप्लेस भी करता है, अगर वो डैमेज भी हो गया है या लॉस्ट हो गया तो उसको डैमेज और लॉस्ट जो सेल होते हैं उसको हटाने के लिए स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो यूनिक प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है कि ये डिवाइड कर सकते हैं ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल, यानी कि न्यू सेल को प्रोड्यूस करने के लिए वो खुद को डिवाइड भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग पोटेंसी कहते हैं। सेकेंड है कि जैसे ही ये डिवाइड हो जाएंगे तो वो जो है दूसरे टाइप ऑफ सेल में वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो इनका प्रॉपर्टी है। रिसर्चर्स जो है यहाँ पे स्टेम सेल्स में वो बताते हैं कि ये बेसिक जो बायोलॉजी है कि कैसे लिविंग थिंग्स काम करता है उसको समझने में स्टेम सेल्स जो है एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का जो है कैसे ये हैपन होता है, यानी कि डिजीज़ के टाइम में कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो रिस्पॉन्स करते हैं ये स्टेम सेल को स्टडी करने से ही पता चलता है। तो 3 मेन टाइप ऑफ स्टेम सेल है ये समझिए, पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल, और तीसरा है यहाँ पे इंड्यूस्ड प्रोलिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये तीनों स्टेम सेल के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि यहाँ पे न्यू सेल्स जो एम्ब्रायो जो फीमेल के अंदर होता है उससे अगर आप देखोगे कि न्यू सेल्स जो सप्लाई होता है ये बड़ा होता है, और ये इसके बाद जो है ना इसमें आपका बेबी डेवलप होता है। जैसे जब बेबी डेवलप होता है तो स्टमक में आप देखोगे कि इतना ज़रूरत से ज़्यादा स्टमक जो है वो फुल जाता है। कैसे फुल जाता है, ये स्टेम सेल का काम है कि स्टेम सेल के कारण जो है ना न्यू सेल डेवलप होता है फीमेल के बॉडी में, और न्यू सेल डेवलप होते होते जो है ना एक्स्ट्रा पोर्शन आपको स्टमक में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद उसी में आपका बेबी जनरेट होता है, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जो कि कोई भी ऐसा सेल जो कि एम्ब्रियो में आपका डेवलप होता है, जनरेट होता है, ग्रो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ठीक है। सेकेंड है एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल में क्या है कि न्यू सेल जो सप्लाई होता है ऑर्गेनिजम्स में, तो न्यू सेल जो है वो ग्रो होता है, फिर उसके बाद जो डैमेज सेल है एडल्ट, यानी कि जो हम लोग जैसे कोई 18 साल के बाद जैसे जो लोग हैं उनको एडल्ट बोलते हैं, तो उनके बॉडी में अगर कोई भी डैमेज हो गया है सेल, ऑब्वियस है हमारे बॉडी में इतना सारा सेल है, ठीक है, और कोई ना कोई डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो उन सारे सेल को भी तो हटाना होता है ना, नहीं तो कचरा हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो ये जो डैमेज सेल को भी हटाने का काम कौन सा करता है, तो एडल्ट स्टेम सेल काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, तो ये क्या होता है, ये कुछ स्टेम सेल्स होता है जिसमें कि साइंटिस्ट जो है इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं, यानी कि नॉर्मल जो एडल्ट सेल है उसको लेकर उसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं और फिर नया एक स्टेम सेल बनाते हैं, जिसको कि हम लोग इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है ना, तो वो यहाँ पे आपका प्लोरीपोटेंट है क्योंकि ये डेवलप होता है एनी टाइप ऑफ सेल टाइप में, तो वैसे ही अगर बॉडी से बाहर अगर इसको लेबोरेटरी में अगर आपका जनरेट कराया जाता है तो इस तरीके के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। तो ये
तीनों स्टेम सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले क्लोनिंग करने में, मान लीजिए कि जैसे क्लोनिंग आपकी आज के डेट में आप देख रहे हो बंदर की हो रही है, इंसानों की भी क्लोनिंग हो रही है, बहुत सारे ऐसे आपको स्पेसिस देखने को मिलेंगे जिनकी क्लोनिंग हो रही है। तो क्लोनिंग करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई मेडिसिन को रीजनरेट करने में, या फिर कोई मेडिसिन को पर्सनलाइज करने में काफ़ी हेल्प हो रहा है, या फिर कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन बॉडी में तो उसके ट्रीटमेंट में, या फिर कोई न्यू ऑर्गन जो है उसके जनरेट होने में जो कि ट्रांसप्लांट के में यूज़ हो रहा है। तो न्यू ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट में आपका यूज़ होता है, जैसे आप देखते हो कि किडनी हर्ट ये सब ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसमें भी स्टेम सेल का काफ़ी उपयोग होता है। स्टेम सेल जो थेरेपी है ना, ये पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिनका खुद का स्टेम सेल्स जो है ना वो उनका रिपेयर करता है, यानी कि जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए इस तरीके का थेरेपी दिया जाता है, और जो इंजरीज हो गया है सेल में उसको रिपेयर करने के लिए इस तरीके का थेरेपी दिया जाता है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल होता है कुछ ऐसे डिजीज़ में, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में देखने को मिलेगा, लुकेमिया में देखने को मिलेगा। तो ये सारा एक प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हो ये स्टेम सेल है और इसी से जो है इतने सारे स्टेम सेल्स जो है आपका जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा स्टेम सेल्स के बारे में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यू रेगुलेटरी बॉडीज़ टू कवर ट्रेडिशनल मेडिसिंस। तो अब ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिंस बिल 2019 एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019। एक सेपरेट कमीशन बनाने की बात की जा रही है कि हमारे यहाँ जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिंस का और होम्योपैथी का, तो इसके लिए अलग अलग जो है कमीशन बनाया जाए। अब यहाँ पे आयुष ग्रिड के बारे में भी बात किया गया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये कॉन्सेप्चुलाइज्ड किया गया है एक नया प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें कि आयुष सेक्टर को डिजिटाइज़ करना है, यानी कि ऑनलाइन कन्वर्ट करना है। ये एक नेशन वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आयुष फैसिलिटी आपको ऑनलाइन अब सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको याद रखना आयुष ग्रिड क्या है, तो ये ऑनलाइन आपका जो है डिजिटाइज़ करना है आयुष को। इसके बारे में अगर हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखें, तो इंडिया में 6 तरीके की जो है सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें कि आपको आयुष का ही फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी। आयुर्वेद की बात करें तो ये फंडामेंटल बेसिस ऑफ जो आयुर्वेद है, सारे ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग बॉडीज जो है ये 5 बेसिक एलिमेंट से बनाया गया है। ये आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र से हम लोग बने हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो ट्रीटमेंट है ये आयुर्वेदिक सिस्टम है, ये हॉलिस्टिक है, पूरी तरीके से इसमें देखा जाता है, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लोग भी कभी ना कभी ज़रूर लिए होंगे। यूनानी क्या है, यूनानी एक आपको देखने को मिलेगा कि आयुर्वेदिक ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो कि ग्रीस से निकल कर आया है, और इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था अरब के द्वारा, पर्शियन के द्वारा 11th century में। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है कि इसमें 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट बताया जाता है, 4 तरीके का ट्रीटमेंट है। एक है रेजिमिनल थेरेपी, उसके बाद आपका डियोटो थेरेपी, फार्माकोथेरेपी और सर्जरी है। तो ये 4 तरीके का है। आयुर्वेद में कितने तरीके का था, आयुर्वेद में 5 तंत्र था, और यूनानी में आपका 4 तरीके का है। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसमें कि आप देखोगे कि क्लोज रिलेटेड है ड्राविडियन कल्चर से। तो ये जो टर्म है सिद्ध, इसका मतलब है कि अचीवमेंट कर लेना। तो इसमें 18 सिद्धार्थ जो है उनको यहाँ पे कहा गया है कि वो जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है इस सिस्टम का उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, और साथ ही साथ जो है इसको तमिल लैंग्वेज में जो है इनके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड भी किया गया है। योगा की बात करें तो आप लोग सबको इससे अवेयर होंगे कि ये प्राइमरली ये शो करता है कि वे ऑफ लाइफ फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय किसके द्वारा, तो महर्षि पतंजलि, जो कि योग सूत्र के फॉर्म में ये दिखाते थे। यहाँ पे आप देखोगे तो 8 कंपोनेंट है, यानी कि योगा का अगर हम लोग देखें तो इसमें 8 कंपोनेंट देखने को मिलेगा, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, धर्ण, प्रत्याहार, ध्यान, समिधि। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि 2014 से जो है जून ऑफ 21st को यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और हर एक साल हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। नेचुरोपैथी की बात करें, नेचुरोपैथी यानी कि नेचुरल चीज़ों से बना है, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है, और ड्रग्स वगैरह नहीं है इसमें, ड्रगलेस देखने को मिलेगा। नॉन इन्वेजिव थेरेपी है जिसमें कि नेचुरल मटेरियल को यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर और हेल्दी लिविंग के लिए। ये आपका किसके ऊपर बेस्ट है, तो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, यानी कि एकदम सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी में आपको देखने को मिलेगा। नेचुरोपैथी जो है ये प्रमोट करता है बॉडी की इनहेरेंट पावर, यानी कि आप लोग जो हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जो नेचर में है, यानी कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर और इथर, इन सब के मदद से जो हेल्प करके जो है ना, इन सब के मदद से आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो हीलिंग जो प्रोसेस है वो आपको नेचुरोपैथी में देखने को मिलेगा। होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी को यहाँ पे एक साइंटिफिक जो सिस्टम ऑफ ड्रग है, जर्मन फिजिशियन है, डॉक्टर यहाँ पे क्रिश्चियन
फ्रेडरिक उनके द्वारा ये लाया गया है 1805 में। तो अगर हम लोग हैनिमन के द्वारा देखें तो यहाँ पे उनका की प्रिंसिपल है होम्योपैथी का लॉ ऑफ सिमिलर है, जो कि लॉजिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस से निकल कर आया है। और अगर हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग का अगर मेथड देखें इसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्व करना है, उसके बाद यहाँ पे करेक्ट करना है, और फिर एक्सप्लेन करना है, और फिर कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये इनका यहाँ पे आपका मेथड है जिसके थ्रू होम्योपैथिक काम करता है। कहते हैं ना कि अगर कोई भी बीमारी की आपको लंबे समय तक जड़ से मिटाना है तो होम्योपैथी लेना है। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली इसका आप देखोगे कि जड़ से वो आपका जो है प्रॉब्लम चला जाएगा। तो इसलिए होम्योपैथी यहाँ पे फेमस है। अब ये पांच तरीके का तो हम लोग 6 तरीके का तो देख लिए। आयुर्वेदा में आपका 5 सिस्टम है, यूनानी में 4 है, सिद्ध में क्या है कि अचीवमेंट है, इसमें आपका 2 एलिमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे योगा की बात करें तो इसमें 8 एलिमेंट है, 8 कंपोनेंट है। नेचुरोपैथी में आपका 5 नेचर्स की जो एलिमेंट है उसको इस्तेमाल करके सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। एंड होम्योपैथिक में जो है ना यहाँ पे आपका लंबा प्रोसेस है, और यहाँ पे क्या क्या है तो पहले ऑब्जर्व करना है, फिर इंटरप्रिटेशन को करेक्ट करना है, फिर रैशनल एक्सप्लेनेशन है। सो दीज आर द मेथड जिसको आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला है हंटा वायरस, तो हंटा वायरस भी न्यूज़ में था। ये फैमिली ऑफ वायरस है जो कि रोडेंट बड़े चूहे जो होते हैं उनके द्वारा ये मेनली स्प्रेड हो रहा था, और इससे बहुत सारा डिजीज सिंड्रोम लोगों में देखने को मिला। हंटा वायरस जो अमेरिका में है इसको न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस कहते हैं, और इससे हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम देखने को मिला था। कुछ और जो हंटा वायरस है उसको ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस भी कहते हैं, और साथ ही साथ कुछ हंटा वायरस जो सेरोटाइप है इसकी स्पेसिफिक रोडेंट होस्ट स्पेसीज है, और ये लोगों में भी स्प्रेड हो रहा था एरोसोलाइज्ड जो वायरस है उसके थ्रू, ठीक है। और ये आपका यूरिन, फिसिस और स्लाइवा इन सब के थ्रू भी जो है ये आपका स्प्रेड हो रहा था। और फ्रिक्वेंटली जब ये काट भी ले, अगर कोई इन्फेक्टेड होस्ट के थ्रू अगर ह्यूमन बींग को काट भी ले तो उसके थ्रू भी ये जो है आपका स्प्रेड हो रहा था। तो हंटा वायरस किससे ये निकल कर आया? सबसे पहले ये रोडेंट से निकल कर आया। ये आपका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशंस है, और ट्रांसमिशंस का यहाँ पे क्या क्या फेज है ये भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर देखें तो ये है हंटिंगटन डिजीज़। तो रिसेंटली एक टीम ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा जो कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के है पुणे में, उनके द्वारा अनरेवल किया गया है एक की सेलुलर मैकेनिज्म जो कि हंटिंगटन डिजीज़ में देखने को मिला है। तो ये है क्या? प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि जो बीमारी आपके पेरेंट्स में है वही बीमारी जो है पेरेंट्स में आप बच्चों में जा पहुँचा है। तो इसमें क्या है कि ब्रेन को अफेक्ट किया जाता है, यानी कि इससे ब्रेन अफेक्ट होता है और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। कुछ आपका जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस और मूवमेंट का, वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा कि आपका मेमोरी आप भूल रहे हो, या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मूड बहुत स्विंग हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया? हंटिंगटन जो डिजीज़ है यानी कि प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे होता है? म्यूटेशन से होता है, यानी कि जीन में जो म्यूटेशन होता है उससे ये आपको हंटिंगटन डिजीज़ देखने को मिलेगा। एक इसको एसटीडी डिजीज़ भी कहते हैं, यानी कि जो जीन में म्यूटेशन होता है उसको एक एसटीडी कहते हैं। तो एसटीडी जीन जो है वो यहाँ पे प्रोटीन के प्रोडक्शन में इंक्लूड है, जिसको कि यहाँ पे हंटिंगटन कहते हैं। तो हंटिंगटन जो है एक प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, बट म्यूटेशन ऑफ जीन से ये होता है। उसके बाद है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि यहाँ पे 2900 पिग्स है वो आसाम में इसके कारण मर गए। तो ये सबसे पहले पिग में होता है, ये देखते हैं। सेकेंड है कि हाईली कंटाजियस है, यानी कि वायरल डिजीज़ है, बहुत तेज़ी से फैलता है डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग में। और ये एक डीएनए वायरस जो कि असफार विरेडे फैमिली के जो वायरस है उससे ये फैलता है। ट्रांसमिशन और स्प्रेड की बात करें तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आते हैं आप इन्फेक्टेड पिग से, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी, या फिर अगर कंटामिनेटेड मटेरियल अगर आप लेते हो तो इससे जो है ना ये ट्रांसमिट हो सकता है। फर्स्ट बार इसको केनिया में 1921 में देखा गया था, और उसके बाद इंडिया में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। आज तक इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है। और ASF की बात करें तो ये आपका जो है ना ह्यूमन हेल्थ के लिए कोई भी तरीके का रिस्क नहीं है। तो ये आपको सिर्फ स्वाइन में देखने को मिलेगा, ह्यूमन में कोई भी तरीके का रिस्क नहीं है। साथ ही ये पहली बार इंडिया में हुआ है, और इंडिया में भी आसाम वाले रीजन में हुआ है, जिसमें कि मास नंबर ऑफ पिग्स का जो है यहाँ पे डेथ हो गया है। फिर आते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। तो रिसेंटली जो है एक कंसर्न यहाँ पे निकल कर आया है कि हम लोग को जो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है उसके कंसेप्ट को बढ़ाना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो एम्बिलिकल जो कॉर्ड ब्लड है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो कि जिसमें कि स्टेम सेल बहुत ज़्यादा होता है, और इसको प्रिजर्व करना है वो भी फ्यूचर यूज़ के लिए। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका हेमाटोपिटिक जो स्टेम सेल है उसके सोर्सेज ये बताया जाता है, जिसमें कि आप देखो कि जिससे बोन मैरो लिया जाता है, या फिर आपका रिलेटेड है ब्लड कैंसर या डिसऑर्डर से। तो इसलिए इस तरीके का जो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है उसको बनाने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। फिर है SIRT1।
तो ये एक एंजाइम है जो कि आपका एसोसिएटेड किससे है, तो एजिंग से, जो कि आप देखते हो कि दिन पे दिन आपका जो है एज बढ़ते जा रहा है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से। तो कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो ग्लूकोज कंट्रोल है वो यहाँ पे ये ग्लूकोज कंट्रोल करता है, जो SIRT1 का जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली ये कंट्रोल करता है। यानी कि जो अगर हमारे बॉडी में आप देखोगे कि जो डायबिटिक लाइक स्टेट यहाँ पे लीड होता है, कभी क्या होता है कि शुगर के ग्लूकोज के शॉर्टेज के कारण या कि फिर कमी के कारण जो है डायबिटिक लाइक स्टेट देखने को मिलेगा। और अगर एक्सेस फीडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें भी आपका सस्टेंट लो लेवल ऑफ SIRT1 देखने को मिलेगा, जिससे कि ओबेसिटी निकल कर आता है या फिर एजिंग यहाँ पर निकल कर आता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप अपने एज से ज़्यादा बड़े लगने लगते हो। तो यहाँ पर क्या है कि इस स्टडी से क्या हो रहा है कि बेनिफिशियल मिल रहा है कि कैसे लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको टैकल कर सके, और एज होते होते जो एजिंग हो रहा है उससे रिलेटेड जो आपको मुफ्त में डिजीजेस मिलते जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे SIRT1 है। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम भी ध्यान रखिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि 24 वीक जो फिटस है विद डाउन सिंड्रोम उसको टर्मिनेट करने के लिए। टिपिकली अगर बेबी बॉर्न विद 46 क्रोमोजोम, तो यहाँ पे आप देखो कि बेबीज़ विद डाउन सिंड्रोम हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वन ऑफ दिस क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम आपका 21 हो जाएगा। ये एसोसिएटेड किससे है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, और एक करैक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस से, और वीक मसल टोन से, जो कि इन्फेंसी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डाउन सिंड्रोम का, तो इसमें कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट जो है 43 क्रोमोजोम होता है। देखिए जब भी बेबी बॉर्न होता है तो एक्स जो है, ये इसमें आप देखोगे कि अगर एक्स एक्स है, ठीक है, यानी कि 23 क्रोमोजोम ये फादर से जाता है, 23 क्रोमोजोम जो है ये मदर का जाता है, ठीक है। टोटल ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 46, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक्स एक्स है, इसमें क्या हो गया 23 आपका मदर से और 23 आपका फादर से, टोटल कितना हो गया 46 हो गया। तो ये जब भी एक्स एक्स क्रोमोजोम मिलता है तो यानी कि ये फीमेल बेबी गर्ल आती है। एक्स वाई अगर यहाँ पे आपका जनरेट होता है, यानी कि 23 जो है ये आपका फीमेल से आया, 23 आपका जो वाई है ये मेल से आया, यानी कि ये अगेन 46 होता है, तब एक बेबी बॉय बनता है जिसको हम लोग यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोजोम से, इनके अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। लेकिन अगर ये डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, ये जो 23 क्रोमोजोम पेयर है ना, ये आपका सही तरीके से फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता, या फिर आपका जो है पार्शली डेवलप नहीं हो पाता है। कुछ भी है यहाँ पे आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, 23 क्रोमोजोम ना आकर ये 21 क्रोमोजोम ही यहाँ पे आपको फुल्ली डेवलप देखने को मिलेगा, और जिसके कारण जो है यहाँ पे भी कमी आ जाती है, यानी कि टोटल 46 क्रोमोजोम होना चाहिए लेकिन 44 क्रोमोजोम होता है। तो अब ये जो हमारा क्रोमोजोम कम हो गया तो इससे क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों में, कुछ बच्चों में आप देखोगे कि उनकी फेस जो है ना थोड़ी एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। इट मींस कि उनका जो लिप्स है वो अलग सा होगा, उनके नाक थोड़े चपटे होंगे, उनकी आईज वो इधर उधर देखेंगे, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ बच्चों की अगर फिंगर्स आप देखोगे तो 5 फिंगर्स जो है वो स्ट्रेट नहीं होंगे, कोई ना कोई बेंड होंगे, या फिर उनका कोई एक लूप आपका बेंड होगा, या तो लेफ्ट साइड वो बेंड होंगे, राइट साइड बेंड होंगे, यानी कि पूरी एक नॉर्मल आपको बच्चे नहीं देखने को मिलेंगे। वो बाय बर्थ ही होता है, बाय बर्थ से ही देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है बच्चे में। तो ये जो डिफेक्ट हो जाता है ना बच्चे में, ये क्रोमोसोम के फुल्ली डेवलप्ड नहीं होने से होता है, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। फाइन, अब ये वॉर्मीविट, तो वॉर्मीविट है क्या, ये हम इंडिजिनस हर्बल मेडिकेशन है जिसको डी वार्मर कहते हैं, लाइव स्टॉक ओनर के लिए है, और ये अल्टरनेटिव केमिकल मेथड है जिससे कि जो वॉर्म है उसको ट्रीट कर सके। ये डेवलप किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगर हम लोग NIF की बात करें तो ये इनिशिएटिव है कि कैसे ग्रासरूट टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है उसको स्ट्रेंथन करें और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज लेकर आए। तो ये पूरी यहाँ पे शॉर्ट नोटिस है, टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे अल्टरनेटिव एनर्जी में भी देख लेते हैं। सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी है, तो ये है क्या, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर्स जो कि ये पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल के लिए है, इनके द्वारा डेवलप किया गया है एक कॉस्ट इफेक्टिव सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट एप्लीकेशंस के लिए। तो पहले हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, ARCI, इट मीन्स के एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर
पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ये एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और किसके अंदर काम करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसमें क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस जो मटेरियल है उसका डेवलपमेंट होता है और ये जो निश मार्केट है उसके प्रोसेस में ये हेल्प करता है, टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करता है और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडियन इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र भी इसे किया जाता है। तो अब जो यहाँ पर डेवलप किया गया है सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी, तो ये कैसा टेक्नोलॉजी है ये समझते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ते दाम में आपको जो है केमिकल प्रोसेस, वेट केमिकल प्रोसेस जो कि इफिशियंटली सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इसको हीट में कन्वर्ट करेगा। टारगेट एप्लीकेशन के लिए जैसे कि स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के लिए बोला जा रहा है, ये आपका एक ट्यूब है यानी कि सोलर रिसीवर एक ट्यूब बनाया जाएगा और ये जो आपका सोलर पैनल है इसमें आप क्या होगा कि यहाँ पे जो वेट केमिकल प्रोसेस है उसके थ्रू जो रेडिएशन आता है सन का वो यहाँ पे कैप्चर होगा और ये कन्वर्ट करेगा हीट में और ये हीट जो है आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सोलर रिसीवर ट्यूब जो है ये वन ऑफ द की कंपोनेंट है इसमें सोलर थर्मल जो टेक्नोलॉजी है उसमें कंसंट्रेट करने के लिए। आज के डेट में अगर देखें तो इंडिया का जो यहाँ पे जो कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल प्लांट डेवलपर्स हैं ये इंपोर्टिंग है, यानी कि हाई एंड आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रिसीवर है वो CST के एप्लीकेशंस में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट भी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, तो सोलर रेडिएशंस जो है इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है जो हम लोग एनर्जी को यूज़ करेंगे और वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ये एनर्जी कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो छोटे छोटे एप्लीकेशन में यानी कि मान लीजिए कि हम लोग को जो कैलकुलेटर चलानी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, सोलर व्हीकल को हम लोग पावरिंग सोलर व्हीकल है, हीटिंग वाटर है रेजिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए जो गर्म वाटर को आप लोग यूज़ करते हो, या फिर आप लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है सोलर पावर प्लांट में, तो स्मॉल स्केल से हम लोग लार्ज स्केल में भी जो है इस तरीके के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है ये सुटेबल होगा यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशंस के लिए जिसमें आपका क्या है कि एक तो CSP है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजीज है जो कि यहाँ पे मिरर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो सन का लाइट एनर्जी है उसको कंसंट्रेट करके जो है उसको हीट में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, एक है ट्रफ सिस्टम जो कि यहाँ पे लार्ज यू शेप्ड जो रिफ्लेक्टर है उसको यूज़ करेगा, सेकेंड है पावर टावर सिस्टम, ये क्या है कि यहाँ पे लार्ज और जो फ्लैट हेलियोस्टेट मिरर है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर इंजन सिस्टम है जिसमें कि आपका मिरर डिशेस को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारा इतना सिस्टम्स है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सारे से क्वेश्चंस नहीं आएगा। सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें सोलर एनर्जी जो है ना उसको यूज़फुल जो एनर्जी फॉर्म है उसमें डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाएगा और सोलर फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है वो यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनर्जी जैसा काम करेगा। इसमें सोलर सेल है यानी कि जो यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल के लेयर से बना है, या फिर सोलर एरे है जिसमें कि सोलर सेल्स जो है टिपिकली कंबाइंड है मॉड्यूल्स से, या फिर कंसंट्रेटेड PV आपका सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी है क्या, ये कहाँ कहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, ये भी देख लीजिए। ये है अल्टियम लिथियम आयन बैटरी, तो बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जनरल मोटर्स है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो एक न्यू तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बना रहे हैं अल्टियम, जो कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज और ये आपका बहुत सस्ता होगा अगर दूसरे बैटरी जो कि आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपेरिजन में। ये एक न्यूली डेवलप्ड केमिस्ट्री है वो भी लिथियम आयन सेल के लिए, जिससे कि यहाँ पे आपका पैसे भी कॉस्ट भी कम होंगे और जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बहुत अच्छा हो पाएगा। इससे क्या बेनिफिट है, सबसे पहले बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज है वो ऑप्टिमाइज़ हो पाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक आपका बैटरी का जो स्टोरेज है वो यहाँ पे सेव हो पाएगा, कॉस्ट यहाँ पे कम हो पाएगा, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ है ये डिपेंड करता है इसके कॉन्फिगर में और साथ ही साथ जो है चार्ज पावर में। तो ये बैटरी जो है ना इसमें आपका एड ओवर भी हो सकता है यानी कि 100 माइल्स ऑफ रेंज में भी जस्ट 10 मिनट में आप चार्ज करके इसको चला सकते हो, तो ये भी है। मिसलेनियस अगर देखें तो ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो व्हाट इज़ दिस, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशंस को स्प्रे किया जा रहा था इन डिसइंफेक्ट टनल्स में, आप देख रहे होंगे कि COVID-19 के टाइम में बहुत जगह पे इवन मॉल्स वगैरह में डिसइंफेक्ट टनल बनाया जा रहा था जिसमें आप जब इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक आप डिसइंफेक्ट हो जाओगे और एक साइड से इंटर करोगे दूसरे साइड से आप एग्जिट करोगे, तो उसमें जो आपका डिसइंफेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन रखा गया था दैट इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और ये कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो मेनली इसको ब्लीच भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है डिसइनफेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ को, और ये लार्ज स्केल में आप देखोगे एग्रीकल्चर में, केमिकल इंडस्ट्री में, पेंट और लाइम इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल सिंथेटिक इंडस्ट्री, सब जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इट मे बी आस्क्ड कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, तो बहुत ही मास नंबर पर इस्तेमाल होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 0.5% सॉल्यूशन ऑफ
सोडियम जो हाइपोक्लोराइट है, जिसको कि यहाँ पे डाकिन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये डिसइनफेक्ट एरिया यानी कि जो भी कंटामिनेटेड है, जैसे बॉडीली फ्लूड है, लार्ज ब्लड स्पिल्स है, तो ये सबको यहाँ पे डिसइनफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, अगर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट देखें तो ये अनस्टेबल है और ये क्विकली ब्रेक डाउन हो जाता है, और इससे जो है रिलीज़ होता है क्या, क्लोरीन रिलीज़ होता है। अगर आप इसको इनहेल करते हो ना, तो इससे आपके म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसको बहुत इरिटेशन होगा, आपके नोज़ को, थ्रोट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो बेटर है कि इस सारी चीज़ों को जो है इतने बेकार जो केमिकल्स हैं इनको इनहेल ना करें। उसके बाद है ग्लोबल हाइपर लूप पॉड कॉम्पिटिशन। सो व्हाट इज़ दिस, IIT मद्रास के द्वारा एक इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल हाइपर लूप पॉड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हाइपर लूप के बारे में, जो है ना यहाँ पे एंथुसियाज्म और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हाइपर लूप क्या है, एक फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या है कि आप देखो, इससे पहले चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो पहला रेलवे है, दूसरा रोडवे है, तीसरा एयरवे है, और चौथा वाटरवेज है। तो अब पचमा क्या होगा, ये आपका हाइपर लूप होगा। हाइपर लूप आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ी इलाका में जब आप लोग गए होंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पर इस तरीके का एक पहाड़ से जो है दूसरे पहाड़ के बीच में जो खाई होता है, खाई में आपका जो है इस तरीके से छोटे छोटे ट्रॉली होते हैं, जिससे कि आपका हाइपर लूप होता है, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा पाते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अब तक तो फाइव मोड ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये फिफ्थ मोड है, और एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि यहाँ पे नियर वैक्यूम ट्यूब में आपका ये ट्रैवल करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, और स्पीड अगर देखें तो 1000 किलोमीटर पर आवर के थ्रू ये आपका बढ़ेगा। कम्प्लीटली ऑटोनोमस, सेफ, क्लीन और इनक्लोज्ड है। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखें तो हाइपर लूप जो है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और इसमें किसी भी तरीके का ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। इलॉन मस्क जो कि SpaceX के फाउंडर है और टेस्ला के यहाँ पे आप जो CEO है, उनके द्वारा ये आइडिया प्रपोज किया गया था 2013 में। हाइपर लूप जो है एक 6 न्यू प्रपोजल है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जिसको कि नीति आयोग के द्वारा भी 2017 में आपका क्लियर किया गया था। अदर फाइव में क्या क्या है, मेट्रिनो है, स्टैटलर बसेस है, पॉड टैक्सी है, छोटे छोटे होंगे जिसमें कि आपका मेनली मुझे लगता है कि 3 से 4 लोग ही बैठ पाएंगे, हाइब्रिड बसेस है, फ्रेड रेल रोड है। तो ये सारे एक ऐसे आपका सिस्टम बनाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके थ्रू आज की डेट में इतना ज़्यादा कंजेशन आपको देखने को मिलता है, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, तो उसको थोड़ा सा और रिलीफ देने के लिए एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाया गया है। अच्छा, मैं जो आपको बता रही थी वो मैं इस पॉड टैक्सी के बारे में बता रही थी, इसको पॉड टैक्सी कहते हैं, ठीक है। हाइपर लूप कुछ अलग है, मैं उसको अभी आपको बताऊंगी। एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी, तो अभी मैं सर्च की तो मुझे पता चला। ये देखिए पॉड टैक्सी है, इस तरीके से जो है ये आपको ऊपर स्काई में देखने को मिलेगा। ये आपके छोटे छोटे हैं जिसमें कि हार्डली 3 से 4 लोग ही बैठेंगे, और ये आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जाएगा। पहला पॉड टैक्सी अगर हमारे इंडिया में अगर बात करें तो वो गुरुग्राम में चल रहा है। ये गुरुग्राम की ही पिक्चर है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके का भी है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से नीचे भी गाड़ियाँ चल रही है, ऊपर भी चल रही है, तो बेटर वे है। और ये है हाइपर लूप, ठीक है। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका एक जैसे रेलवे ट्रैक है, उसी के ऊपर ये दौड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा 1000 किलोमीटर पर स्पीड से, मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना हाई स्पीड से जो है ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसको हाइपर लूप कहते हैं। तो कंसेप्ट में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आप लोग के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कल्चर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है, तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सो थैंक यू।